राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में प्याज के दाम लोगों को परेशान करने पर आमादा है। पिछले कुछ दिनों से फुटकर बाजार में प्याज 80 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रही है, जिसकी वजह से प्याज लोगों की रसोई से दूर होती जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में प्याज 40 से 55 रुपए किलो बिक रही है। बावजूद इसके फुटकर बाजार में प्याज के दामों में गिरावट नहीं आ रही। इसी वजह से पूरे उत्तर भारत में प्याज के दाम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। यहां तक कि राजनीतिक बयानबाजी भी की जा रही है। फुटकर बाजार में आज भी प्याज की कीमत 80 से 90 रुपए किलो बनी हुई है और दुकानदारों की माने तो आने वाले समय में प्याज के रेट में गिरावट दर्ज करने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। आजादपुर मंडी के व्यापारियों का मानना है कि जब तक राजस्थान के अलावा अलग राज्यों से प्याज मंडियों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक प्याज के दाम में कोई गिरावट नहीं आएगी। प्याज यहाँ 70 चल रहा है, 60 चल रहा है, बढ़िया हो तो अच्छे में तो 90-100 भी चल रहा है। रसोई घर चलाने में दिक्कत हो रही है इस टाइम पे। प्याज देख के लोग लौट जाते हैं दर्शन करके, तो मतलब दिक्कतें हो रही है इस टाइम पे। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस टाइम गवर्नमेंट से कि क्या होना चाहिए इस टाइम पे? ये तो है, हर साल का यही है, कभी टमाटर पे रहते हैं तो कभी प्याज पे रहते हैं। करने वाले क्या करेंगे, गरीब आदमी थोड़ी खा सकता है प्याज। रेट चल रहा है 50-70 रुपए किलो, होलसेलर 50-70 रुपए रेट चल रहा है। आने वाला टाइम में क्या रेट का कम हो सकता है? हमारा कह रहा 80-90 रुपए किलो का बिकना चाहिए। 80-90 रुपए किलो का।